नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा। किसी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। भविष्य निधि ऑफिस पर अब मौत को गले लगाएंगे, हिंदुस्तान के माथे पर दाग छोड़ जाएंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अखिल भारतीय ईपीएस 95 पेंशनर्स के प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने पेंशनर्स को उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और धरना स्थल पर मिलने आने का आश्वासन दिया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री धरना स्थल पर नहीं आए। जहाँ फ्रेंड्स, गौरतलब है कि ईपीएफ पेंशनर्स 4 दिसंबर 2018 से नई दिल्ली की भिकाजी कामा प्लेस स्थित भविष्य निधि ऑफिस के सामने आमरण अनशन कर रहे हैं। गौरतलब है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को इस महंगाई में, सिर्फ महंगाई के ज़माने में 200 से लेकर 2500 रुपये तक की कम मासिक पेंशन मिल रही है, जबकि सरकारी कर्मचारियों की आज की तारीख में तनख्वाह 1.5 लाख से लेकर 2 लाख करीब पहुँच चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, उधर धरना स्थल पर बैठे 60 से 80 साल के कुछ बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशनरों की हालत बिगड़ चुकी है। ईपीएफ कमांडर अशोक रावत ने कहा कि ये इस सरकार की ओर से असंवेदनशीलता है, जिसके कारण उसे बुजुर्ग पेंशनर का दर्द समझ में नहीं आ रहा है। यह सच है कि जिनके अपने पेट और बटुए भरे हुए हों, उन्हें दूसरों के दर्द का अंदाजा नहीं हो सकता। अगर बुजुर्ग पेंशनर्स ने धरना स्थल पर दम तोड़ दिया तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगे न मानी तो हम 7 दिसंबर को भिकाजी कामा पैलेस स्थित भविष्य निधि ऑफिस के सामने सामूहिक आत्मदाह के अपने फैसले पर कायम है। धरने पर बैठे बुजुर्ग पेंशनर महेश नगर ने कहा कि हम भिकाजी कामा पैलेस स्थित भविष्य निधि ऑफिस के सामने पर मौत को गले लगाएंगे और हिंदुस्तान के माथे पर दाग छोड़ जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ईपीएफ राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने कहा कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने बीजेपी सांसद भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी और राज्यसभा को सौंपी थी। अपनी रिपोर्ट में कहा कि वर्तमान पेंशन को अमान्य बताते हुए पेंशनर्स को कम से कम 7,500 रुपये व 5,000 रुपये महंगाई भत्ता दिए जाने की सिफारिश की थी।